Hello students, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir.
Vedant, Vedant. Yes, sir. You are not there in the doubt lecture yesterday. No, sir. I guess no. You? Where were you? So, वो पहले का वो सब बाकी subjects कर रहा था. Physics नहीं कर रहे थे? Optics नहीं कर रहे थे? नहीं सर, optics कर रहा था लेकिन लगता मैं भूल गया कल के लेक्चर के बारे में. वो assignments complete कर रहा था. E-test. क्या सर किस चीज का बात चल रहा है? आंसर क्या था? बी इज व्हाट? हाउ मच? क्या था? सर एफ इज इक्वल टू डी बाय एम वन माइनस M2. Good, good, good. और किसी का गाइस आया था ये वाला आंसर? अरे मैंने दो बार भेजा, कोई फिर भी किसी ने ट्राई नहीं किया. सर कल आपके लेक्चर के बाद बाद में उसकी के खत्म होते ही फिर बाद में बीएम सर का भी लेक्चर था रात को. मुझे आया था. आया हूँ मैं. किसका आया था? ओके हर्ष. हाँ सर, बी ऑप्शन मेरे को भी आया था. ओके बी आया था. ठीक है. ओके बी कैसे किया था? गाइस और हाँ एक और थोड़ा सा शायद अपन सम्स ज्यादा हो रहा है ना कुछ ज्यादा. ठीक है अब होमवर्क अब मैं नहीं दूंगा, काफी सम्स मैंने दे चुका हूँ तो ठीक है. सम्स अभी ऐसा करेंगे ना, ठीक है, जो भी बचा हुआ है ना तो कुछ स्टूडेंट्स का शायद कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लीट ही कर लिया है, कुछ थोड़ा से रह गए हैं तो ठीक है उनको भी अपन थोड़ा टाइम देते हैं और उनके भी अपन करते जाएंगे है ना. तो पुराने भी जो है थोड़ा करते जाते हैं शायद. अब आप लोगों का कुछ लोगों का काफी आगे हो गया है, थोड़ा सा बैकलॉग ज्यादा हो. सर व्हिच बुक शुड वी यूज फॉर रे ऑप्टिक्स थ्योरी? रे ऑप्टिक्स थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए तो क्लास नोट्स में तो अपने पूरा कवर कर ही रहे ना. क्लास नोट्स में है, यू हैव द बुकलेट आल्सो. अलग से किसी का चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर प्रॉब्लम्स जिसमें सम्स मिले. और सम्स भी अपने काफी किए हैं लेकिन स्टिल अगर कहीं आप यू वांट डीसी पांडे के कर सकते हो और सेंगेज के भी सम्स कर सकते हो. सर आपने जो सैटरडे को होमवर्क दिया था वो कब तक खत्म करना है? किसी का रह गया है तो ठीक है फिर से रीडिस्कस करते. बाकी लोगों का क्या चल रहा है? कुछ ही लोग. पूजा हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड? सर आपने जो रिसेंटली होमवर्क दिया था ना, मतलब एचसीबी का ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन बुकलेट का थोड़ा अभी फ्लो में चल रहा है. इट्स अ बिट स्लो बिकॉज़ दूसरा बैकलॉग भी बचा है. ओके ओके. ई टेस्ट का कहां तक हुआ है? ई टेस्ट आपने कौन सा अभी रिसेंटली डिस्कशन किया था ना, 5, 6, 7? तो मैंने उसके बाद 8 तक किया हुआ है. 9 एंड 10 अभी पेंडिंग है, वो अटेम्प्ट करना है. थोड़ा सा अपन स्लो हो जाएंगे, मतलब किसी का पेंडिंग रह गया, किसी का दूसरे की वजह से कुछ और वर्क रह गया है तो आई विल रीडिस्कस. डोंट वरी, जो फिर भी कोई भी अगर कोई डिस्कस हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल रीडिस्कस इट अगेन. तो उसके लिए कोई इशू नहीं, अब टाइम है अपने पास. डोंट वरी अबाउट दैट कि हम रीडिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है तो पहले वो होमवर्क करते हैं. हाँ हर्ष कैसे किया था वो एग्जाम्पल बताओ क्या था. यू हैव टू magnifications M1 and M2. और आप कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो? यस्टरडे आपने ग्रुप पे भेजा था? यस यस यस. ओके सर. उसका वो एरिया वाला, एरिया के पहले वाला, भाई एरिया के पहले वाला था ना एक. यस सर, मिल गया. हां कैसे किया था उसका बताओ हर्ष. Yes, sir. So, Shreyas का हो गया. अगर गाइस आपके पास है नहीं तो क्वेश्चन, कैन समबडी प्लीज सेंड इट द ग्रुप अगेन.
प्लीज somebody सेंड. यस सर आई सेंड ऑन द ग्रुप. ओके तो उसमें क्या क्या गिवन है? M1 M2 मैग्निफिकेशन है ना? हाँ यस सर. और D क्या है भाई? D क्या है? What is the D? Distance? V minus UD है. ओके दो दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस है. ओके हाँ तो कैसे कैलकुलेट किया था? किसका आया था हर्ष? सर तो भाई M1 V by U हो जाएगा तो फिर V equal to U M1. V equal to U M1. हाँ उसके बाद फिर लेंस फॉर्मूला में मैंने डाला ये. ओके उसके उसकी वजह हाँ. फिर मेरे को U मिला. U किया, U फाइंड किया मैंने. मतलब V को सब्स्टिट्यूट किया U M1. हाँ और फिर U इससे निकाला वो आएगा F F into 1 plus M1 upon M1. उसके बाद फिर M2 M2 हो जाएगा U by V. हाँ M2 M2 फिर ऐसे ही निकाल लिया दो बार. हाँ फिर ऐसे ही निकाल लिया फिर V निकल जाएगा दूसरे. एक मिनट यार जाओ यहाँ तक तो ठीक है ना. हाँ फिर हाँ सर फिर V minus U D दिया हुआ है उन्होंने. हाँ वो दो पोजीशंस जो है D दिया ना U1 minus U2 को D दिया. हाँ सो फिर दोनों को दो इक्वेशन में रख के ओके लेंथ निकल जाएगा. ठीक है तो F M1 by M1 minus F by 1 plus M2 by M2 is equal to D. तो इससे F की वैल्यू D कितना आता है? F की वैल्यू D by M1 minus M2 आ रहा है. हाँ यस सर. रुद्रा तुमने कैसे किया था? सर सिमिलर वे में ही किया था. ओके ओके खाली फिर वो इनवर्स करके मैंने किया था. M1 अगर इक्वल टू V by U है तो M2 U by V रहेगा बस. ओके ओके गाइस किसी और का दूसरा मेथड मतलब उसने V में लाया किसी और का सेकंड मेथड थर्ड मेथड कोई? ठीक है इसको मैं इरेज कर देता हूँ. वेट वेट ठीक है दूसरा और एक मेथड आई विल टेल. कैन आई रेज दिस वन? सो वन मिनट. ओके ओके श्रीवांश हाउ डिड यू अप्रोच? Aditya, how did you try this one? Sir, मैंने अभी बोला था ना सर वो BM सर का उसके बाद में लेक्चर था तो I did not get to attempt. But sir, ये method देख के ये ऐसा ही लग रहा है ये दोनों से ये method से थोड़ा easy भी लग रहा है करने में दोनों एक एक magnification के लिए अगर करेंगे तो उसमें हो जाएगा I guess. Correct, correct. Yes, I done copy. ठीक है अब जो है second method, second और ये third method जो भी है third method है वही transverse magnification का formula था F minus D by second method कब हुआ? वो second method जो है उसने बताया ना क्या नाम था V by U वाला उसने U में कर लिया था. हाँ अच्छा first वाला वही फर्स्ट वाला इसने अभी बताया ना उसने क्या किया V में ट्रांसफॉर्म किया और वो रुद्रा ने जो U में कर दिया. सर थर्ड मेथड कैसे हुआ ये? हाँ टू यस
तो एम वन की जगह लिख सकते हैं ना एफ माइनस वी वन बाय एफ, ये ठीक है क्या? यस यस, एफ माइनस वी टू बाय एफ। हिमांश नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, लेकिन आप इमेज डिस्टेंस में क्यों, अच्छा है लेकिन सर आप इमेज डिस्टेंस में क्यों जा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जाना वो दिया हुआ है ना हमें। वो सेम ही होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो इमेज हाँ का ही वही वो होगा। सेम हो जाएगा फिर एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू सर, डी, फिर वी टू तो माइनस वी वन बाय एफ बचेगा। यस सर, फिर एफ की वैल्यू निकल जाएगी इससे। अच्छा डी बाई एम वन माइनस एम टू। इमेज यस डिस्टेंस भी सर। सेम रहेगा, इमेज वो दो इमेज के बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा डी। अरे कल ही तो किया था, जैसे 70 30 है ना, तो थर्टी हाँ सेवेंटी हो जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट हाँ अच्छा यस ओके हाँ मेथड एक्सपेरिमेंट, कन्वर्जिंग लेंस। हाँ सर एक और वापस बोल सकते हो क्या बोला आपने? याद है हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड में किया था, जैसे अगर मान लो ये 30 पे है तो ये 70 पे आ रहा था से, है ना, फिर ये सर ये याद है मेरे को, वो 70-30 सेकंड वाला होगी। सेकंड वाला कितना आया था, ये 70 था तो ये 30 आ गया था ना। यस सर, अब देखो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, अच्छा वही ओके यस सर यस सर तो आएगा। तो यस गाइस ठीक है, फिर अब कुछ सम्स करते हैं एक्सरसाइज 1 में। वेट मैं सब बोला, रब मत कर, आप बोलना है तो बोल सकते। ओके 25 से 31 अभी करो, लेंस के बेस पे सबसे बुकलेट बुकलेट है अच्छी भी। सर, बुकलेट एक्सरसाइज 1 और 25 से 31 अभी करो। सर इसका डिस्कशन कर रहे ना ना, अभी अटेम्प्ट करना है सबको, हैं। अच्छा अटेम्प्ट करना है। सर आज आप कुछ नया नहीं पढ़ाओगे, यही कराओगे? एंड में अपन जो है फॉर्मलेस, दो फॉर्मलेस जो बाकी है ना वो लिख लेंगे अपन, जो वो वाले फॉर्मले हैं कौन से, एक सिलवरिंग ऑफ लेंस और एक तो मतलब चैप्टर खत्म हो गया? लास्ट। हाँ यही वाला था लास्ट, लेकिन अपन सब सम्स बाकी है ना, हाँ तो सब इसका प्रैक्टिस करेंगे इतना ठीक है। थोड़ा काफी कुछ लोग थोड़ा सही जा रहा है, थोड़ा आराम से करते हैं ना। हाँ सर, नया चैप्टर जल्दी से शुरू मत करना। नहीं, अभी पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे ईच एंड एवरी डिस्कशन। यस सर, थ्योरी नेक्स्ट मतलब पूरा खत्म हो गया। थ्योरी में हाँ दो जो बाकी है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस और जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर टू लेंस सेपरेट बाय डिस्टेंस, तो वो लेकिन अच्छा जेई में तो हम फंडामेंटल से ही करते थे ना। तो अपन ने जो भी अभी एक्सरसाइज 5 के भी सम्स किए तो अपन बिना उसके तो हो ही जा रहा था फॉर्मुलेस के, लेकिन अच्छा वो वाले फॉर्मुलेस ना डीसी पांडे और सेंगेज में है, ये जो है तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। सो व्हाट्स द ओके नेक्स्ट चैप्टर? अभी तो डिसाइडेड नहीं है, अभी तो कुछ ये नहीं आया है, मे बी थर्मोडायनेमिक्स मे बी। सर हाँ चलो ये वाले करो जल्दी 25। हाँ सर कौन सा चैप्टर बोला सर आपने? अच्छा आई गेस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, गेस है, नॉट श्योर अभी तो। आप शुरू करवाओगे इसको? सर अभी देखते हैं, अभी प्लानिंग अभी हुआ नहीं है। चलो ट्वेंटी आप टेस्ट के डाउट्स लोगे, किसके? हाँ वो ई टेस्ट वो जो आपने दिए थे वो जाएंगे ना तो नेक्स्ट आज डाउट करेंगे, लेक्चर में वो डाउट एक समय बाद में करेंगे ना वेदांत, अभी वाला करो 25। अभी आई कैन आई रेज दिस वन? यस सर। सो हाँ आवर प्राइमरी फोकस राइट नाउ शुड बी ऑन एचसीवी एंड द बुकलेट राइट? यस फर्स्ट, हाँ एचसीवी एंड द बुकलेट फर्स्ट। यस सो आफ्टर दैट शुड वी डू सेंगेज? आफ्टर दैट हाँ वो भी मैंने कुछ ई टेस्ट भी भेजे हैं, वो वाला भी करना, उसमें भी काफी कलेक्शंस हैं, सो
उसके बाद जो है यू कैन डू हाँ वो सब सम्स आपके डीसी पांडे एंगेज हो सके, क्योंकि उसमें ही कवर करोगे तो क्या है ऑलमोस्ट 450 सम्स तो यही हो जाते हैं, फिर अलग से हमें इलस्ट्रेशंस क्लास में भी लिए हैं और एक्स्ट्रा सम्स है तो काफी हो जाते हैं, 500 सम्स तो है ही अपने पास, फिर बाद में उसमें जा सकते हैं आप लोग। तो अभी आई वुड से कि टिल जो टीडब्ल्यूटी ये वाला कंप्लीट कर लो, फिर बाद में मेजर डिस्प्ले जो टाइम रहेगा उसमें वो वाले करने में। चलो 25th कैसे करेंगे बताओ इसका आंसर। सर रुको ना, सर 25 में सेम साइज बोलते हैं तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट या दोनों इमेजेस का साइज सेम है? नहीं ऑब्जेक्ट तो वही है और इमेज का साइज सेम आ रहा है। अच्छा मतलब दोनों मतलब इस इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम और इमेज इन बोथ केसेस साइज सेम? हां नहीं इमेज आई1 और आई2 इमेज से। अच्छा ओके ओके सर। गाइस 25th के लिए किसका हिंट कोई बता रहा है? सर दोनों M1 M2 ले लेंगे एंड M1 विल बी नेगेटिव ऑफ M2। ओके वैसा हो जाएगा क्या सर? हां सर उससे आ रहा है M1 विल बी नेगेटिव ऑफ M2 ठीक है यस किस रियल और वर्चुअल प्लस म्यू हां एक रियल एक वर्चुअल और U1 सर फिर F1 प्लस U1 नहीं यू वन डिस्टेंस है यार यू वन आर डिस्टेंस अरे ये क्या कर रहा हूँ प्लस तो नहीं लेंस लेंस है ना एफ बाय एफ प्लस यू बना सर मैंने गलती से उसको नेगेटिव ले लिया तो आंसर मेरे को सही आया लगता तो सर ये फ्लूक से आया ना सही आंसर नहीं समझा व्हिच व्हिच वन यू हैव टेकन नेगेटिव नहीं था मैंने गलती से वो लेंस मिरर फार्मूला का फार्मूला लगा दिया f / f - u वाला हां ओके ओके नहीं नहीं ठीक किया ना देखो क्या किया तुमने दो मिस्टेक कर दी क्या था एक तो पहले तो आपने जो है f / f - u ले लिया और फिर u को नेगेटिव नहीं डाला है ना हाँ नहीं सर यू टिप किया था तो मेरे को F plus U आ गया हाँ ऐसा तो आपने क्या किया दो मिस्टेक की नहीं ना दो मिस्टेक एक दूसरे को नलिफाई कर लिए हाँ ओके एग्जाम में दो मिस्टेक करना एक नहीं ओके सर इससे सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है बताओ जल्दी इसका हां सर आ रहा है हाफ ऑफ u1 प्लस u बी नेक्स्ट 26 बताओ जल्दी सर ये तो कल ही क्या ई टेस्ट का पार्ट था ये वाला नहीं सर ई टेस्ट हां वो 3/4 इंटेंसिटी हो जाता है वो D/2 डायमीटर अपर्चर पे लगा दिया बताओ मत बाकी सबको करने दो बताओ मत अरे अरे सॉरी
सो मेरे को ये क्वेश्चन में ये नहीं समझा कि वो सेंट्रल पार्ट इज कवर्ड अप टू डायमीटर डी बाय टू, मतलब कितना पार्ट कवर हुआ है वो ही नहीं समझ रहा है. ओके अगर कि जैसे से यू हैव अ लेंस है ना, सो अगर कोई लेंस है और लेंस का जो है यू आर सेइंग सपोज का इफ यू आर कॉलिंग दिस व्यू एज इट्स फ्रंट व्यू, इसको अगर कि फ्रंट व्यू कॉल करते हो पीपल दिस एज फ्रंट व्यू, तो इसका जो है साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू कैसा होगा, दैट मींस इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम दिस साइड ये कैसा आ जाएगा, ऐसा ऐसे शेप में आ जाएगा राइट. सो कौन से साइड से देख के ऐसा आएगा? नहीं नहीं, अगर कि वो तो हमारा प्लेसमेंट है, हमने मान लो उसको ऐसा प्लेस किया ऐसे. हां हां, सपोज मैंने ये बोर्ड लिया, बोर्ड में इसको प्लेस किया और आप सामने से देख रहे हो, तो सामने से देख रहे हो तो दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रंट व्यू फॉर यू. हां यस सर. अब इफ यू आर वाचिंग, अब आप उस साइड चले गए, इस साइड से देख रहे हो तो ये साइड व्यू बनाएगा. हां ओके सर. साइड व्यू में दिस विल लुक लाइक अ स्लाइस ना, सर्कल जैसा आ जाएगा राइट, क्योंकि लेंस हम कैसे बनाते थे याद है? यस सर. सॉलिड स्फीयर में ऐसा ये स्लाइस कट करते थे. हां ये साइड व्यू में भी सर्कल. हां और याद है इस रेडियस को क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ अपर्चर. अपर्चर राइट, उस रेडियस ऑफ अपर्चर. ठीक है, अब जो है क्या हो गया? हाँ, तो अब जो है क्या किया आपने, पहले इसका डायमीटर डी था, फिर क्या किया आधा डायमीटर सेंट्रल पार्ट, आधा डायमीटर मतलब आधा रेडियस, उसको उसको ब्लॉक कर दिया ब्लैक पेंट. सर जो ब्लॉक किया उसका रेडियस डी बाय टू है क्या? उसका नहीं, उसका डायमीटर इज डी बाय, डायमीटर इज डी बाय टू है. यस यस, उसका डायमीटर इज डी बाय टू. ओके तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या बताता है? एनर्जी कलेक्टेड, एनर्जी कलेक्टेड इन द रीजन जो है ना उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है. सो कैसे करेंगे यहाँ पर? पहले पहले कितना था? पूरा पाई आर स्क्वायर से एनर्जी होके आ रहा था है ना, पूरा उससे करस्पोंडिंग एनर्जी था आई नॉट. अभी कितना है? और सर F तो चेंज ही नहीं होगा ना, क्योंकि इसका कर्वेचर वैसे का वैसी है ना. सर F सेम रहेगा ना सर? यस F विल बी सेम. अगर गाइस ये ऐसा कुछ ऐसा होता तो क्या होगा आंसर? अगर मान लो जो है सपोज ये जो है यहाँ पर सपोज इनर वाला वर्किंग है और ये ब्लॉक है, उसमें क्या हो जाएगा? प्रेस करोगे तो इसका रेडियस रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला भी लेंस मेकर वाला 1/R1 - 1/R2 ये चेंज हो गया. ओके सर, तीनों में एफ तो सेम ही है ना? तीनों में एफ सेम ही है. अंडरस्टूड ना इसका? यस सर. ओके हां, नेक्स्ट पार्ट. प्रीवियस एक प्रीवियस टॉपिक पे डाउट है तो कब पूछूं मैं? हां ठीक है, अभी जो डाउट लेक्चर्स करेंगे ना, ठीक है, मैं ऐसे करता हूं जो वेडनेसडे वाला है ना उसको प्रीवियस वाले में, प्रीवियस जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है उसमें पूछ लेना. ठीक है? अच्छा, तो आज बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे करने वाले?
आज जो हाँ आज थोड़ा सम्स करते हैं लास्ट में थोड़ा सा एक डाउट लेक्चर एसीपी सर को दे सकते हो दे दिया ही ऑलरेडी दे दिया वो आ गया टाइम टेबल अच्छा अच्छा वो सर हाँ सर यहाँ पे उन्होंने डी बाई टू को ब्लैक किया है ना डी बाई टू रेडी डायमीटर वाले पार्ट को अच्छा तो रेडियस आर बाई फोर नहीं होगा ना ना नहीं जैसे पहले डायमीटर डी था तो रेडियस आर था फिर डायमीटर डी बाई टू हो गया तो रेडियस भी तो आधा हो जाएगा ना अच्छा ओके ठीक है नेक्स्ट 27 गाइस आपके कॉलेज के लेक्चर में भी ये वाला ऑप्टिक्स चल रहा है क्या अभी नहीं सर अभी नहीं नहीं मोशन इन हो गया सर अभी न्यू चैप्टर होने वाला है सर ओके ओके उन लोग का बहुत फास्ट जाता है दो दो लेक्चर में एक चैप्टर हो जाता है हां क्योंकि यहां पे आपने कर लिया है तो वहां पे यस सर सर एक्चुअली थर्ड पार्ट में कितना पोर्शन हम लोग ने ब्लॉक किया है किसके किसके पार्ट के लिए सर थर्ड पार्ट तो इसमें देखो यहाँ पर क्या किया हमने आर बाई टू को ऐसे रखा ये वाला पोर्शन ब्लॉक कर दिया है तो आर बाई टू इज वर्किंग ना तो जो वर्किंग है वही लेंगे उसी से एनर्जी पास होगी ना ओके ना अंडरस्टूड यस सर ओके आई विल इरेज दिस वन सर सर हाँ सर एचसीवी के थियरी में डाउट है सर उसके बुक में दिया है कि कोमा एस्टिग्मेटिज्म वो सब भी दिया है तो हम लोग को वो सब पढ़ना है आई डिफेक्ट्स क्या आई डिफेक्ट्स हाँ यस सर डिफेक्ट वो सब दिया डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस दिया तो सर वो सब पढ़ना नहीं नहीं आई डिफेक्ट्स वगैरह ना जो है वो आपके बोर्ड्स में आएगा है ना और उसमें जो है इवन बोर्ड्स के लिए जो है अलग से होता है लेकिन हम मैं क्या करूंगा अभी अपने पास टाइम है तो मैं एक्स्ट्रा एक जो है जो मायोपिया मेट्रोपिया वो सब एक बार पढ़ा दूंगा इंस्ट्रूमेंट से ना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तो बोर्ड्स में भी क्लियर हो जाएगा थैंक यू सर तो हां इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा दूंगा बोर्ड्स के लिए हेल्प हो जाएगा वाला ओके सर थैंक यू सर उसके लिए गाइस आई विल गिव एनसीईआरटी हां एनसीईआरटी का जो है आई विल गो थ्रू तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा स्टैंडर्ड तो सबके लिए भी हो जाएगा सीबीएसई के लिए भी हो जाएगा और आपके क्योंकि वापस आना है तो इट शुड स्ट्राइक नॉर्मली ऑन द मिरर
तो इट विल बिकम लाइक पैरेलल रेज व्हाइल कमिंग बैक टू द दिस, तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि वो फोकस से आ रहा था. करेक्ट, ये पैरेलल रेज निकलनी चाहिए तो मतलब ये फोकस से आना पड़ेगा. दिस डिस्टेंस मस्ट बी फोकस. आप एक बार इसका रीजन बता सकते हो? तो ऐसे हमने जिसके जितने भी टाइम सम्स किए थे जिसकी फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, उन सब प्रॉब्लम्स में अप्रोच क्या है, द रेस मस्ट स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली. या एंड यहां पर द मिरर इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर है, नॉर्मल है, मतलब ऐसे आएंगी रेस भाई, ऐसे आएंगी, मतलब रेस यहां से पैरेलल निकली है. तो ऐसा डायग्राम कब होगा, जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होगा. ओके, पैरेलल ही जाएंगे, फिर से पैरेलल आएंगे और फिर फोकस को. ओके, एग्जैक्टली. हाँ, ये ऐसे जाएंगी, नॉर्मल हो गया, फिर इसके बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेज जैसे कहीं है वापस आएगा. ओके सर, तो फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ के लिए यही वाला अप्रोच रहेगा गाइस, सबके सभी प्रॉब्लम्स के लिए. हां, सर इसमें लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल दो रेज आए और कन्वर्ज किए 15 सेंटीमीटर. प्रिंसिपल यू आर सेइंग कि 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्जेंस, लेकिन वो मतलब जो जो इंसिडेंट रेट था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाला रे नीचे वाले रे के पाथ से गया और नीचे वाला रे ऊपर वाले के रे ऊपर वाले रे के पाथ से गया. नहीं नहीं, इमेज के लिए तो ऐसे होगा ना, सभी रेस के लिए वैसे, हर रे के लिए वैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है. इमेज तो ना एक रे के लिए ऐसा हो दूसरे रे के ऐसा होना चाहिए ना. इमेज के लिए क्या होनी चाहिए, जो भी रेस गई वही रेस वापस वहीं पे आनी चाहिए. Yes, sir. 28 done. Yes, sir. वो तो basics है ना 28. क्या given है उसमें? 28. आधा card से cover कर दिया तो कैसा image बनेगा? Okay, okay, ठीक है. Okay, this part is blocked. D. हाँ हाँ, ठीक है. तो भाई ठीक है, बस वो वाला part block हो गया, तो image तो वहीं बनेगा जहाँ, ठीक है. Intensity बस थोड़ा कम होगा. Intensity कम होगा. ठीक है, हाँ. तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज उल्टा बनेगा. ओके, सो बेस्ट ऑप्शन जो है डी. फिर नेक्स्ट. तो हाँ, तो 27 में हम लोग को वो लेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है ना, 1/v-1/2. 27 के लिए, 27 के लिए भाई we have the data ना. 27 में क्या था कि ये ऐसा है और reversibility है ना, तो हमने यहाँ से start करेंगे इसको. क्या कैसे strike कराओगे, normally strike करा दो, normally strike करने का मतलब यहाँ से parallel निकलना. parallel कब निकलेंगी, जब इसके focus में होगा, बस directly हो जाता है. नॉर्मल का मतलब है जैसे रह गई है वैसे वापस लौटेंगी. हाँ, और वापस यहाँ पे बन जाएगा. 30 सेंटीमीटर है ना. Sir, 29 में लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा ना? Yes, yes. Okay, sir. उसको लेंस में फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है. लेंस से भी हो जाता है वो कंपेयर करके.
हाँ सर, लेंस फॉर्मूला आप देख के कंपैरिजन से हो जाते हैं फिर. ओके ओके. उसके लिए पहले ऐसा है ये ऐसा, फिर उसको जैसे इसको स्क्वीज कर रहे हैं, मतलब ये दो पॉइंट्स पास ला रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ डिक्रीज. एक मिनट, तो ये पॉइंट जैसे ए एंड बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज. ओके, ए एंड बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज. तो फोकल लेंथ भी डिक्रीज होगा ना फिर? हाँ. और इसको इसका नियम फोकल लेंथ चेंज होगा कि नहीं? एक मिनट. हाँ देखो, से म्यू इज इक्वल टू 0.5, से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ना. एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता. अरे इससे निकालते ना, लेंस मेकर्स फार्मूला से. ओ या या, हां वो मेरा मिरर के लिए ऐसा आता है. तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यूज प्रोडक्ट कर लेते हैं. हमने म्यू को 1.5 लिया है, 1.5 माइनस 1 1/2, और ये क्या हो गया, ये वाला तो जो है माइनस, ये कितना हो गया 2/r. सो दैट मींस फॉर दिस डेटा फोकल लेंथ इज इक्वल टू r, ठीक है, फॉर दिस डेटा. तो फोकल लेंथ ये आ गया है ना. अब जो है देखना है क्या होगा. तो ये जो है r का चेंज हुआ है ना, r कैसा है देखेंगे. तो पहले क्या होगा, फ्लैट सरफेस. लेंस के लिए वी कांट अज्यूम f इज इक्वल टू 2r, आई मीन 2r इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू 2r. नहीं, लेंस का फोकल लेंथ तो, लेंस इज अ सिस्टम. ओके, सिस्टम सिस्टम का आप इससे इस फार्मूला से निकालोगे, राइट. चलो अब देखो ये वाला हो गया. अब यहां पर देखो, जैसे आप उसको स्क्वीज कर रहे हो तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेडियस डिक्रीजिंग. सो फोकल लेंथ इज आल्सो decreasing. यहाँ तक किसी को डाउट? सर रेडियस डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ क्यों डिक्रीज, क्योंकि वो इक्वल ही रहने वाला है क्या रेडियस के? नहीं, यहाँ पे हमने फॉर दिस डेटा म्यू की वैल्यू 1.5 या 1.6 जो भी लोगे, तो ऐसे आ जा रहा है. ओके, तो इसलिए डिक्रीज. हाँ, तो म्यू का डिपेंडेंस ऐसा ऐसा आ गया ना यहाँ पर, ठीक है. तो व्हेन यू स्क्वीज इट, तो when you squeeze it, तो radius क्या हो रहा है, radius जो है कम हो रहा है, radius कम हो रहा है, तो using lens maker's formula, focal length is also decreasing. यहाँ तक इस data में किसी को doubt guys? तो अब attempt करते हैं problem number 29 के लिए. हाँ, can I erase this one? Everybody has copied? Yes. Sir, एक मिनट सर. ठीक है. इसमें क्या दिया है, व्हेन यू स्क्वीज द लेंस, इमेज बताना है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, ऑब्जेक्ट वहां पर है और इमेज के बारे में बातें करनी है. ओके, ठीक है. इरेज दिस वन. यस सर. यस सर, डन. तो f इज इक्वल टू r आ गया था, ये डिक्रीज डिक्रीज ऐसा आ गया. अब जो है 29 सम के लिए, 29, सो वी हैड अ लेंस, और पहले रेडियस बड़ा था तो f भी बड़ा था. दिस इज f, 2f, f 2f ऐसा, और इमेज इस साइड बन रहा है स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है. यहाँ कहीं जो भी है इमेज बन रहा होगा, से ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन f एंड 2f. नहीं, ये बियॉन्ड 2f. बियॉन्ड 2f. बियॉन्ड 2f. इसका इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा, वहीं पर आएगा. यहाँ तक किसी को डाउट? अब जो है आपने क्या किया, इसको स्क्वीज कर दिया भाई ऐसा, तो उसका इसको स्क्वीज करते ऑब्जेक्ट वहीं रखा है, ऑब्जेक्ट वहीं रखा, तो इसका फोकल लेंथ कम हो गया, मतलब फोकल लेंथ कम हो गया, मतलब ये f डैश, 2f डैश इधर आ गया, राइट. तो अब देखो यहां पर ये f डैश, 2f डैश, तो
देखो क्या हो रहा है, अगर कि लेंस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट रिलेटिवली किसकी तरफ जा रहा है, 2f की तरफ जा रहा है। नहीं सर, ऑब्जेक्ट सेम स्पेस पे है, बस फोकस चेंज हुआ है ना। हाँ, फोकस अगर शिफ्ट हो गया तो, फोकस अगर शिफ्ट हुआ तो मतलब जो है देखेंगे कि इसके रिलेटिव ये 2f के पास आ गया ना। या वी कैन सी, या सो अगर ये 2f के करीब आ गया तो इसका इमेज किधर आएगा फिर? उधर के 2f के करीब, 2f के करीब ही आएगा, राइट? यस सर। सर वरना लेंस बिकॉज़ फॉर्मूले से एकदम रोबस्ट मेथड से आ जाता है आंसर। ओके, यू उसमें वैल्यूज डाल के पुट अप करके चेक किया? नहीं, वैल्यूज भी नहीं, 1/v - 1/u = 1/f, तो as f की वैल्यू डिक्रीजेस, ओवरऑल वैल्यू ऑफ 1/v - 1/u इंक्रीजेस। ओके, एंड देन बिकॉज़ 1/, बिकॉज़ u इज कांस्टेंट, तो 1, दैट मींस 1/v इंक्रीजेस एंड उससे v डिक्रीजेस। ओके ओके, सर इमेज मूव्स अवे ना, दी सेम कम्स क्लोजर, कम कमर कम हो रहा ना, दिस कम्स क्लोजर। सो यू कांस्टेंट है इसमें? यस हां, यू तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस। हां ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, जैसे आपने स्क्वीज किया तो इसका f एंड 2f ऐसा मूव हुआ, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है सर? पर क्वेश्चन में बोला है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो f के उस लेफ्ट साइड पे, पर 2f और f के बीच में ऐसा कुछ तो बोला नहीं है ना। ओके, यू वांट टू टेक दैट केस, ये वाला भी ले लेते हैं। सो यू वांट टू टेक, ये वाला क्या था, f F not, you will take this as 2F. ऐसा लेना चाहते हो, right? हाँ सर। Okay. अब ये बताओ कि इसमें इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज कहाँ बनेगा? F और 2F के बीच में। Okay. तो इसका इमेज will be between F and 2F. Yeah. F and 2F यहाँ पे। ये इमेज हो गया। अब इसको आपने ऐसा कर दिया, तो इस केस में जो है, ठीक है, अब इसको आपने कंप्रेस किया तो मतलब ये क्या होगा, ये दोनों f चला गया, f और पास में चला गया। हाँ, f और पास में चला गया, तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? ऑब्जेक्ट इधर ही है, लेकिन लेंस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ हाँ सर, इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो इमेज किधर पड़ेगा? फोकस के पास आएगा। ओके सर, ठीक है ना? हाँ, तो मतलब हम कोई भी केस लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो रहा है, इमेज का हाइट।
सर बट वो एक्चुअली ठीक से नहीं कह सकते कि f अपॉन f माइनस u if f is f plus u sorry if f is this क्या decreasing तो वो numerator denominator में कितने से कम हो रहा है means we can't be for sure. हाँ okay 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 हाँ करेक्ट करेक्ट तो better ज़्यादा ये वाला होगा है ना ये वाला हाँ सर okay mt is equal to v by u u constant है भाई तो v कम हो रहा है हमने just इसके पहले वाले sum में किया v कम हो रहा है v कम हो रहा है तो mt भी कम होता है Okay guys, I will erase this one. You know, yeah. सो इसमें v कांस्टेंट रहता है ना ये हाँ फिक्स लग रहा है ना हाँ हाँ v है तो फिर u और f में इजीली हो जाता है हाँ सो ये ऑब्जेक्ट है और ये पीछे जा रहा है बाद में इसके बारे में कुछ u इंक्रीज हो रहा है ओके ये डिस्टेंस सम x नॉट हो गया कुछ वैल्यू ले लेते हैं यार ये वाला f कुछ ले लेते हैं 20 ले लेते हैं इसको कुछ 30 ले लेते हैं यार इसके लिए क्या आ जाएगा डिस्टेंस ये वाला 20 और 30 लेते हैं तो इमेज कहाँ पे आएगा सर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस यू इज 1 बाय एफ 20 60 आ रहा है ओके ठीक है ये 60 हो गया ठीक है फिर आपने क्या किया इसको बढ़ा लिया इसको फिर और बढ़ा देते कुछ 40 कर सो वैल्यूज नहीं लेते तो भी ऐसे इमेजिन करके हो जाता है ना हां सर अगर यू इंक्रीज हो रहा है तो एफ को डिक्रीज होना पड़ेगा ना क्योंकि 1 बाय वी कांस्टेंट रहेगा एक लेवल कंप्यूटर मेथड ए सर ओके 1 बाय वी माइनस 1 बाय वी तो फिक्स हो गया यार वी कितना है यार 60 है और ये वाला क्या है माइनस 40 है और न्यू एफ डैश इससे एफ डैश कितना आया चेंज करते हैं भाई आंसर ए करते हैं सर नहीं ऐसा ऑप्शन सी नहीं हो सकता है सर हमें कैसे भी करके रियल इमेज ही बनाना है ना तो सर अगर जैसे भी रखा हुआ है उसको वैसे भी रख अगर धूल लेके जाके फिर भी रियल इमेज ही तो फॉर्म आएगा ना वर्चुअल कभी फॉर्म ही नहीं रहेगा स्क्रीन पे स्क्रीन पे कैसे बनेगा भाई हाँ स्क्रीन पे कैसे बनेगा
शार्प इमेज चाहिए। अच्छा शार्प इमेज चाहिए, ओके। सो लेकिन सर ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है क्या? ए क्यों मतलब? एक मिनट, हाँ प्लीज टेल योर रीजन ऑप्शन बी का। सो क्योंकि अगर हम यू इंक्रीज करते हैं तो फिर f को डिक्रीज ही होना पड़ेगा अगर 1 बाय v कांस्टेंट है। यस सर। और f डिक्रीज मतलब स्क्वीज को इंक्रीज करना है ना। एक मिनट, 1 बाय v, एक मिनट, लेट अस राइट इन अ वेरिएबल टर्म। या वेरिएबल में मैंने किया था। एक मिनट, ये ऐसा आ गया भाई। अब जो है यू आर कीपिंग दिस एज कांस्टेंट। यस। और इसमें यू आर इंक्रीजिंग x नॉट। या तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा। हाँ, तो फिर f डिक्रीज होगा तभी वो, हाँ डिक्रीज होगा तो वो वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, फिर 1 by v कांस्टेंट रहेगा ना। नहीं तो 1 by f डिक्रीजेस, f डिक्रीजेस तो 1 by f थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी कांस्टेंट होगा ना। एक मिनट, लेट अस गो फ्रॉम LHS, एक LHS से जाते हैं। दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस टर्म इज डिक्रीजिंग। या तो कांस्टेंट प्लस ये वाला टर्म जो डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1 by f राइट हैंड साइड डिक्रीज होगा। हाँ, अरे हाँ सर, हमने वो नेगेटिव साइन नहीं दिया। यू वन बाई एफ इंक्रीज होगा ना तो वो एफ डिक्रीज होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो वन बाई एफ डिक्रीज आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू कम हो रहा है, सेकंड वाला वैल्यू। तो एफ इंक्रीज होगा ना सर, अगर वन बाई एफ डिक्रीज हो रहा है। सर एफ इंक्रीज होगा, एफ इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहे ना स्क्वीज, डिक्रीज कर रहे, डिक्रीज सर डिक्रीज। सो अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है तो वेरिएबल में भी यू को नेगेटिव साइन लेना होता है। नहीं, अगर नहीं, ये तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, तो डिस्टेंस रखते हैं। डिस्टेंस तो अपने x नॉट को नेगेटिव साइन लिया ना, मैंने वो नहीं लिया था इसलिए मैं उल्टा बोल रही थी। ओके, अरे हां, व्हाट हैपेंड ओवर देयर एज यू टेक इट अवे फ्रॉम द लेंस, एक्चुअली उसका माइनस में बढ़ता है ना। 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u, वो कांस्टेंट है। यस सर, मैंने भी वही मिस्टेक किया था। तो सर इसका आंसर डिक्रीज द स्क्वीज होगा। बनाओगे अगर आपने फोकल लेंथ चेंज किया तो फोकस कैसे हो जाएगा फिर? मतलब तुम चाहते हो कुछ चेंज ना करें, कुछ ही हाँ जैसे वैसे रहने दे। अरे नहीं, उसने लेकिन शार्प इमेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना कि इमेज शार्प होनी चाहिए। स्क्रीन में इमेज बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है लेकिन सर इमेज अच्छा। का क्या मतलब समझते हो? रेज का इंटरसेक्शन ना, तो वो शार्प ही इमेज होती है। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा फोकस पे बस प्रॉब्लम रहेगा, हम फोकस पे नहीं कर पाएंगे इमेज को फॉर्म। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज फॉर्म नहीं होएगा। नहीं देखो, अगर वो जैसे कह रहा है ना स्क्रीन पे इमेज बना, मतलब उससे क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लेकिन सर इसमें ऑप्शन ए में भी सर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही पॉसिबल रहेगा ना, शार्प इमेज भी हर एक वैल्यू पे नहीं रहेगा ना पॉसिबल। सेम ऑप्शन सी के लिए सर, हर एक इसके लिए नहीं रहेगा ना पॉसिबल। अभी कंप्रेस कर दो आ जाएगा, ये तो नहीं लिखा ऑप्शन में। ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज करना है, ये नहीं लिखा कितना इंक्रीज करना है। अभी सी ऑप्शन में लिखा है कि वही पे रहना पड़ेगा, वही पे रहेगा तो थोड़े ना फॉर्म होगा ठीक से। तो लेकिन मिरर फॉर्मूला तो हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल रहता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कह रहा है देखो, यू हैव इंक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया आपने ना। यस सर, ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया, लेंस को वैसे ही रखा, स्क्रीन को वैसे रखा, तो फिर उस जगह पे फोकस क्यों होगा बताओ? अच्छा उतना शार्प इमेज पर हमने आंसर फाइंड करते हुए वी को कांस्टेंट ही तो लिया है, तो कार्ड और लेंस तो फिक्स ही है ना। तो फिर सी ऑप्शन में क्या है कि प्रॉब्लम, क्योंकि ओ तो वैसे भी मूव हो रहा है, कार्ड और लेंस फिक्स है लेकिन ऑब्जेक्ट तो वो मूव कर रहा है ना। हां ऑब्जेक्ट मूव होने दो, लेंस फिक्स्ड है लेकिन लेंस का कर्वेचर हमने चेंज करके उसका फोकल लेंथ चेंज कर दिया। हां हां यस सर, लेंस का कर्वेचर चेंज हो रहा है। ओके सर, तो उसमें बस एक डेटा मिसिंग है कि हम फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर रहे, वो बस वही डेटा मिसिंग है ऑप्शन सी में।
अरे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ सेम रखना है, लेंस को छोड़ देना है तो फोकल लेंथ सेम ही रहेगी ना। यस आई अंडरस्टूड अंडरस्टूड ठीक है सर। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर करने से लाइक बेस्ट रहेगा राइट, आई मीन लाइक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। गाइस नेक्स्ट 38 वाला ट्राई करो जल्दी। Next. So I will erase this one if everybody has copied. Sir. थोड़ा सा वो फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे लास्ट में, मेरे का बाकी है ना। 38 करना है अभी। 38 सर। हाँ हाँ सर, स्क्वीज दो प्रकार का होता है ना, एक अलोंग द थिकनेस और एक अलोंग द अपर्चर। तो अलोंग द अपर्चर अगर स्क्वीज किया तो फोकल लेंथ बढ़ता है, और अलोंग द थिकनेस स्क्वीज किया तो चिपका ही हो जाएगा, अंदर चला जाएगा ना। हाँ तो वो थिन मतलब थिन हो जाएगा ना, थिकनेस कम हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा मतलब फोकल लेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। You are saying कि मतलब लेकिन क्या वो शेप ला सकते हैं क्या अपन, कि मतलब पतला हो जाएगा और नहीं, लेकिन वो बीच में आपने प्रेस कर दिया तो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो जाएगा? वो कह रहा है बीच में प्रेस करेंगे जैसे ही ऐसा था बीच सर, assuming that it keeps its shape। हाँ सर assuming। वो फिर बताना पड़ेगा उसको specifically। तो बीच में कैसे प्रेस कर सकते हैं? ऊपर हर जगह नहीं हो पाएगा ना। हाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो आई थिंक द बेटर वे टू से दैट इट विल बी ऊपर नीचे स्क्वीज करने जगह पुल कर लिया ऊपर नीचे से, ओके तो उसे और वो पतला हो जाएगा। सर अपने टाइम भी है क्या? 38 वाला करना है ये सर, प्लीज ट्राई। तो आपको पता है ना कि जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस साइड से भेजे रेस या इस साइड से रेस भेजे, सेम ही आएगा होगा लगता। यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो इस साइड से भेजते हो सेम ही आएगा गाइस, हां 1 बाय f कितना हो जाएगा ये वाला u माइनस 1, दिस इज r 1 बाय प्लस r माइनस 1 बाय इनफिनिटी, तो सिंपली क्या जाएगा u माइनस 1 बाय r, वही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस साइड से रेस भेज रहा हूं सेम वैल्यू। हां तो f1 और f2 इक्वल रहेगा ना क्वेश्चन में? एक मिनट, यस आप फॉर्मूला थिन लेंस
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला 1 बाय f इक्विवेलेंट इज 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 वाला फॉर्मूले से करोगे है ना? हां सर। सर जीरो आ रहा है सर। थर्ड वाला जीरो। सर थर्ड वाला इंफिनिटी आना चाहिए ना, जीरो कैसे आ गया? हां थर्ड जीरो आएगा। वो कन्वर्ज ही कैसे होगा? फोकस पे तो कन्वर्ज होना चाहिए ना, ग्लास स्लैब कैसे कन्वर्ज करेगा? अब जो है जैसे ये वाला है ना, इसके लिए एक लेंस ये वाला हो गया है ना, और दूसरा जो बीच में यहाँ पर है वही लिक्विड है राइट। तो ये वाला ऐसा है, ये ऐसा, और लिक्विड सेम रखा है भाई। लिक्विड सेम रखा है मतलब एक थिन ग्लास स्लैब की तरह। अब ग्लास स्लैब की तरह इसका फोकल लेंथ अगर निकालना है, सेंड पैरेलल रे, तो पैरेलल रे भेजोगे तो क्या होगा? इमेज इंफिनिटी, इंफिनिटी भी आ जाएगा है ना। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा इसका? इंफिनिटी आ जाएगा सर। तो नन ऑफ द अबव, हूं, तो नन ऑफ द अबव है क्या आंसर? आंसर उन्होंने ए दिया है। ओ ए दिया हां सर, पीछे ए दिया। ना ना ना, ये इंफिनिटी होगा ना यार इसका पैरेलल रे, तो पैरेलल ना सर, वो पीछे शायद इधर प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ होगा। उसको उसको करेक्शन कर लो, एडिट कर लो, f3 को इंफिनिटी करो। नहीं सर, अगर हम लोग म्यू बाय v माइनस 1 बाय म्यू से अगर दो रिफ्रैक्शन से करेंगे तो 1 बाय f = इंफिनिटी आता है। ये एक बार दिखा देख लो। चलो अगर दो रिफ्रैक्शन करना है, हां ये दो इवेंट्स यू वांट टू डू राइट? यस सर। चलो ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? एयर टू ग्लास, तो म्यू बाय वी वन माइनस वन बाय इंफिनिटी ना, पैरेलल रे आ रहा है, म्यू माइनस वन बाय आर, ये ठीक है? यस सर। फिर जो है सेकंड क्या होगा? अभी वापस ग्लास टू एयर ना, तो वन बाय एफ इक्विवेलेंट माइनस u by v1, अगेन यहाँ पे कर्वेचर तो इनफाइनाइट है, ये ठीक है? ऐड, इससे कितना आ गया बताओ? तो भी इनफिनिटी आया ना। f f इक्विवेलेंट कितना आ गया? इनफाइनाइट आ गया ना इससे। इज इट ओके ये वाला? So, but this formula is for concave or convex, मतलब ये वाला, ये तो spherical refraction formula है, basic fundamental। हाँ वही तो ना, इससे focal length infinite आ रहा है ना, इसलिए हम third का correction कर लेते हैं। third का answer f3 में जो है उसको infinite कर लेते हैं, edit कर लेते हैं, तो अपना ये option correct हो जाएगा। Sir आप एक बार second case भी solve कर सकते हो f2 वाला। Second case ठीक है भाई, second case में क्या दिया है? लेंसेस जो है तो सेकंड केस में तो सिंपल ऐसे ही हो गया, ये ऐसा है और ये ऐसा। वी हैड जस्ट डिस्कस्ड कि इसका फोकल लेंथ एफ है, इसका भी एफ होगा, और जब व्हेन यू हैव टू थिन लेंस इन केप इन कांटेक्ट, तो 1 बाय एफ ये हो जाता है, तो 1 बाय एफ2 विल बी 1 बाय एफ प्लस 1 बाय एफ। ओके थैंक यू सर, वही आ जाएगा। A में भी ऐसी आएगा, F1 भी यही वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, मेरे को यही पूछना था कि ये फॉर्मूला में हमें साइन नहीं डालना रहता है ना? ना ना, तो साइन तो मतलब ये तो वही है ना, इसका इसका जैसे इसका लेंस का इसका साइन जो है रेस किधर से ही भेजो, इधर से ही भेजो, इधर से भी, तो साइन तो वही आएगा, प्लस ही आएगा। हाँ ओके ठीक, कैन आई इरेज दिस वन सर? अब जो है चेंज कर लेते हैं वैल्यूज, कुछ वैल्यू देके करते हैं। मान लो इसका 1.5 ले लेते हैं और बीच में लिक्विड जो है ना उसका 2 लेके करते हैं, चलो तब क्या होगा? क्या नहीं सर, वरना इसका पीछे आंसर डी करते हैं ना? ठीक है, या फिर हाँ दो ऑप्शंस हैं,
अगर ऑप्शन ए में एडिट कर लो मेक एफ थ्री इन्फिनिटी तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, या फिर उस डेटा के लिए आंसर इनफिनिट हो जाएगा अदरवाइज. सर कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड फोकल लेंथ अगेन? थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए देखो क्या हो गया, ये और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इट विल बिहेव लाइक अ स्लैब. यस सर. एक स्लैब हो गया, तो स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, पहले AR2 इज मीडियम म्यू म्यू बाय V1 माइनस यू आर सेंडिंग अ पैरेलल रे इंफिनिटी म्यू माइनस 1 बाय R इज इंफिनिटी. यस सर. फिर रे विल मूव फ्रॉम म्यू टू 1 तो 1 बाय F इक्विवेलेंट माइनस म्यू बाय V1 1 बाय म्यू बाय अगेन फ्लैट सरफेस ही आ गया. सॉल्व करने के लिए ऐड कर लेते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. और ऑप्शंस दिए हुए 50 -50 30 -30 तो सर हम 50 करेंगे मार्क या -50 करेंगे? आपका लेंस मेकर फार्मूला से वैल्यू कितना आया? -50 ना. -50 आया. -50 मार्क करेंगे. अच्छा ओके, क्योंकि सर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पे लेंथ वर्ड मतलब हर बार पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए ना? नहीं, अरे ऐसा मत सोचो, लेंथ मतलब काइनेमेटिक्स से सोच रहे हो कि लेंथ इज मेजरमेंट डिस्टेंस, ऐसा नहीं. अच्छा ओके, अच्छा जो फार्मूला से जो साइन आता है वही ऑप्शंस में करने का, वही देखने का. ओके सर. So, question 38, if in the third condition, if the liquid was not of the same refractive index, yes, then I'm going to do that. Yes, yes, I'm going to do that. Okay, sir. Okay, can you please, is yours apne ho gaya? Can I please? Yes, sir. Yes, sir. Ab jo hai, value change kar lete hai 38 ke liye. So, 38 ke liye humne kya kar liya? Now, this is, yes, sir. ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पे अलग लिक्विड है और ये ग्लास ले लेते हैं भाई, इसका म्यू 1.5, लिक्विड वाले का 2, इसका वापस 1.5 भाई, इसका निकालना है. ठीक है, इसका फोकल निकालना है आपको, और रेडियस ले लेते हैं कुछ 40 से, दोनों साइड का रेडियस सेम है ना, 40 मैग्नीट्यूड. तो अब जो है इसके फोकल निकालने के लिए दो मेथड्स, फर्स्ट जो है जो फंडामेंटल कैसे करेंगे बताओ, उसमें कितने इवेंट्स होने वाले हैं? 3 4 फर्स्ट इवेंट के लिए डेटा बताओ, u 1.5 / v माइनस 0.5 यस 0.5 / F R R 40 R sorry infinity will second event two upon v two minus 1.5 upon v one zero equal to 0.5 upon R 40. पर इसमें सीधा वो भी कर सकते थे ना कि -2/v1 -μ1/u = 0, मतलब वो ये वाला सेकंड इवेंट की फर्स्ट वाला इवेंट 1 में कर सकते थे. अरे फर्स्ट वाले इवेंट, हां इवेंट 1, इवेंट 1 और इवेंट 4 के लिए बोल रहा हूं मैं. ओके यार, ऐसे एक के नीचे एक लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं भाई? 1.5/v3 and sell out होगा इसे. yes वो हो गया हमारा क्या add करके कैसे r की value 40 plus 40 plus 40 second one 4 1/v4 1/f equivalent minus 1.5/v3 is equal to 0. so वो v4 f equivalent क्योंकि वो इनफिनिटी से रेज आ रहे, इसलिए फाइनल, यस फाइनल वैल्यू. या ओके,
अब इसको उड़ा दो, पहले वाला इन्फिनिटी वाला सब उड़ा दो। अरे कौन सा क्वेश्चन है वो? नहीं एक क्वेश्चन हमने ऐसे एग्जांपल कर रहे हैं कि हमने बोला कि भाई ये लिक्विड है ना, तो उसको यहाँ पर ये 2 ले लिया, उसको 1.5 ले लिया, तो क्या होगा? या तो केस बदल लिया बस 38 ऐसे ही। हाँ जैसे वही F 38 का जो F 3 सम था ना, उसको एक हमने एक नया क्वेश्चन ही बना लिया भाई। सर यहाँ पे अगर लेंस टचिंग होते तो 3 ही इवेंट होते ना, मतलब? नहीं अभी रुको, लेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो फंडामेंटल से चल रहे हैं पहले। नहीं सर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो दोनों जो लेंस हमने ड्रॉ किया उसके बीच में भी लिक्विड है ना, मतलब डायग्राम में जो बुकलेट में दिया है उसमें वो दोनों लेंस टच हो रहे हैं, तो उस वक्त वो इवेंट 3 इवेंट 4 मतलब कोइंसिडेंट कर रहे हैं इवेंट 2 इवेंट। टच तो एक पॉइंट में होगा ना, बाकी जगह तो ऐसे ही रहेंगे ना, टच तो एक पॉइंट में होगा। एक ही रे का खाली 3 इवेंट होगा, बाकी रेस का तो 4 इवेंट होगा। हां 4 होंगे ना, एक। हां वही मेरा डाउट था, मतलब वो होगा ना बाकी जगह। हां हाँ बेंडिंग होगा ना, यहाँ बेंडिंग होगा, यहाँ बेंडिंग होगी, यहाँ बेंडिंग होगी, यहाँ भी बेंडिंग होगी ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, ऐड करना है। इसने एफ इक्वल निकाल के बताओ कितना आता है, सिर्फ ये बच रहा है और ये दो बच रहे हैं भाई। किसी को डाउट ये फंडामेंटल मेथड से? तो जेई के जो भी सम्स आएंगे भाई फंडामेंटल से करना, क्योंकि अभी तक आपने देखा भी है ना एक्सरसाइज 5 में ऑयल है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, अलग अलग सिचुएशन है, सो यू डोंट टेक एनी रिस्क, डायरेक्टली इससे ऐसे करो, आंसर करेक्ट आएगा और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, सब कैलकुलेट ही हो, मतलब कैंसिल ही हो रहे हैं यार। ठीक है अब सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड जो है मतलब सेंगेज डीसी पांडे बुक्स में ये वाला दिया हुआ है। ठीक है तो इसको कैसे करना है, इसको ब्रेक करना है ये लेंसेज में, ऐसा ब्रेक करना है। अब यहाँ पे ब्रेक करते ही जो है यू गाइस विल आस्क द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन करोगे कि भाई सर यहाँ पे तो हमने आप इमीडिएटली कांटेक्ट पे थे, आपने उसको ब्रेक किया और एयर गैप इंट्रोड्यूस कर लिया, इधर भी एयर ऐसा कर दिया, तो इसमें आंसर आ जाता है इसलिए हम कर, लेकिन आई वुड सजेस्ट दिस मेथड ओनली, लेकिन ठीक है आंसर आ जाता है इसलिए हम डीसी पांडे में भी दिया हुआ है, सेंगेज में दिया है, तो इससे कर रहे हैं। पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/f, यहाँ पर 1/80 आ जाएगी इसकी वैल्यू। चलो ये प्लेनो कॉन्वेक्स का इतना आ गया, प्लेनो कॉन्वेक्स का। अब ये कॉनकेव वाले का भी निकालना है, तो 1/f कॉनकेव वाले 2-1, ये r नेगेटिव और दूसरा वाला r पॉजिटिव, 1-r - 1/+r, तो f कॉनकेव कितना आएगा यहाँ से, -2/r ना? Yes, sir. -2/r, मतलब -2/40। अब इक्विवेलेंट निकालते हैं तीनों लेंस का, एक तो 1/f1 + 1/ f प्लेनो कॉन्वेक्स, 1k प्लेनो कॉन्वेक्स, इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पर, इसकी जगह क्या रखोगे 1/80, और ये वाला क्या है -2/40 +1/80। अब बताओ f इक्विवेलेंट कितना आता है इसमें, -40। तो ठीक है ये ऐसा सेंगेज और डीसी पांडे में दिया है, दोनों को सेपरेट करके ऐसा कर लेते हैं, बट आई वुड प्रेफर दिस पे। ये अंडरस्टूड गाइस वाला? यस सर। पहला वाला क्योंकि फिर यहाँ पे मैं रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ,
बोलेगा कि भाई यहाँ पे सर आपने दोनों साइड एयर और एयर कैसे मान लिया, एयर तो था ही नहीं, एयर का जो dx एयर का गैप क्यों इंट्रोड्यूस। सर वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी हम लोग वो कंसीडर नहीं करते थे कि एयर गैप क्यों इंट्रोड्यूस किया, वैसे तो उस हिसाब से ये सही होना चाहिए। ओके हां मतलब नहीं आंसर तो आ ही जाता है सर एयर गैप। सो व्हिच क्वेश्चन आर यू डूइंग नाउ? अभी ये वाला करेंगे नेक्स्ट सर। हां सर एयर गैप मानेंगे ही नहीं, एयर गैप नहीं मानोगे तो फिर वो स्टूडेंट आर्ग्यू करेगा ना कि इसके लिए भाई 2/1.5 लिखने बोलेगा। मतलब ये फॉर्मूला उसी मेथड से आया है तो फिर लग नहीं रहा कि कोई चेंज होगा। ठीक है लेकिन ठीक है अगर तुम्हें चलेगा वो भी कर सकते हैं। सर एक बार एक्सरसाइज मतलब एक कंफर्म कराने के लिए एक्सरसाइज 2 का 11th में ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने से तो आ जा रहा है, थोड़ा जनरल एक्सपीरियंस से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एक्सरसाइज 2 का 11। ठीक है वो वाला अपन करेंगे ना डाउट्स में एक बार पेंडेंसी को डिस्कस कर लेंगे ना, अभी वाला करते हैं ना, अभी वाला करते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। सर आप जो दो फॉर्मूला देने वाले थे एंड ऑफ द क्लास में वो आप अभी दे देंगे क्योंकि सिर्फ अभी 12 मिनट्स बचे हैं क्लास के, वो देने के बाद हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं ना सर 17th और 18th? ठीक है सर 17th 18th सर वर्क में दिया था पहले। हाँ सर ठीक है कैन आई रेज दिस वन? यस सर। फॉर्मूला जो है फॉर्मूले का डेरिवेशन आई विल नॉट एक्सप्लेन, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ फॉर्मूले में क्या टर्म्स क्या क्या है वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो गाइस ये लेंस ऐसा है और एक साइड सिल्वर कर दिया आपने, तो कुछ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1, इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो ऐसे वाले सम्स हमने याद है इवेंट से कर लिया था, पहला इवेंट सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थ्री इवेंट से कर लिया था ना सर? यस सर। अब जो है इसके लिए फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला इसका देखो इसमें रेज भेजोगे वापस आएंगी, सो दिस बिहेव्स एज अ इक्विवेलेंट मिरर और उसका इक्विवेलेंट इज गिवन बाय इसका इक्विवेलेंट 1/FM माइनस 2/FL 1/F मिरर 2/F लेंस। अब ये क्या क्या टर्म्स है डिस्कस करना है, सिर्फ हम अभी एप्लीकेशन बात कर रहे हैं कैसे उसको अप्लाई करना है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन वी विल डू। ठीक है F मिरर, मिरर कौन सा है ये वाला पार्ट भाई, इसका मिरर का रेस ऐसा है सिल्वरिंग ऑफ लेंस एक साइड का कवर करने का तो सिल्वर्ड पार्ट है ना? यस 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 सिल्वर पार्ट ये वाला। सो व्हाट इज जेड? जेड और ये जेड नहीं 2 ऑलराइट थैंक यू सर। किसी का वॉइस हां सुनाई नहीं दे रहा, कैन यू प्लीज टेल अगेन क्या डाउट था? सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब वो एक साइड को कवर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कवर करने का ना? हाँ मतलब ये इस साइड ना इस साइड के मिरर को क्या किया सिल्वर किया फिर उसके ऊपर पीछे रेड पेंट और पॉलिश कर देते हैं ऐसा सेफ्टी के लिए सर। ओके सर। तो अब जो है पहले इसका सिर्फ एप्लीकेशन डिस्कस कर भाई, इस फॉर्मूले में दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर, इस मिरर का इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं तो इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हो 1/F मिरर माइनस 2/F लेंस। मिरर कौन सा है ये वाला भाई, इस डेटा के लिए मिरर की वैल्यू क्या होगी एफ मिरर? कितना होगा? R2/2 माइनस ऐसा है ना, रेस इधर से जा रहे हैं तो कॉनकेव मिरर जैसा हो गया ना यार वो। yes. तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या रखोगे माइनस R2/2। ठीक है पहले टर्म में कोई डाउट? ठीक है पहला टर्म तो सबको आया समझ में। सेकंड टर्म एफ लेंस है, एफ लेंस क्या है भाई यहाँ पर? तो एफ लेंस कैलकुलेट करने के लिए एफ लेंस मतलब इसको उन लोग कैसे ट्रीट करते हैं ना, इसको कैसे ट्रीट करते हैं उन लोग
एक लेंस और एक मिरर ऐसा ट्रीट करते हैं सेपरेट ना, इस लेंस का फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर, तो इस लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है ना आपके पास 1/f लेंस, क्या हो जाएगा म्यू ऑफ द लेंस बाय एयर माइनस 1/r1 - 1/r2. तो गाइस ये अंडरस्टूड, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करोगे? यस सर, जो बनेगा इक्विवेलेंट क्या होगा 1/fm - 2/f lens. मिरर कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, उसका आप रखोगे रेडियस क्या होगा -r2/2. एफ लेंस चाहिए, लेंस मतलब ये वाले लेंस का पार्ट, इसको डिराइव कर लेंगे अपन, हो जाएगा डेरिवेशन. लेकिन ये वाला, हाँ अभी प्लान नोट करो, बट मैंने सभी जेई के साउंड बिना इसके कराए. हाँ सर, एक्चुअली बस एक एक सरफेस लेके हो जाएगा ना ये क्वेश्चन. हाँ सर, डिराइव कर लेंगे सर. एफ इक्विवेलेंट, सॉरी सर, बट आई डोंट वांट, मतलब मैं नहीं चाहता आप ज्यादा इसको यूज करो, इसलिए जो मैंने इसको अभी ऐसे करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर बाद में इसके सम प्रैक्टिस भी कर लेंगे. तो पहला इक्विवेलेंट फाइनली मेक का क्वेश्चन है. भेजोगे तो वापस आएंगी वापस, है ना यहाँ पर. अच्छा, तो सर फिर हम इस सिस्टम को एक सिंगल कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं. यस यस, तो इसको okay. जैसा भी फोकल लेंथ आएगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से रिप्लेस कर लोगे, फिर उसके बाद फिर से आपको फिर मिरर फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, राइट? अरे किसी यस सर, हां सर, यस यस यस. तो मतलब दो बार लेंस फॉर्मूला और एक बार मिरर फॉर्मूला लगा के आ जाएगा इक्विवेलेंट. हां हां, ये जो है इस फॉर्मूले को यूज करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, फिर और एक बार जो है आपको मिरर फॉर्मूला लगा के फिर निकालना पड़ेगा. काम तो उतना ही हुआ ना. हाँ, और मैं भी वैसे करा रहा था, मैं तो क्या कर रहा था, ये यूज नहीं करता था डायरेक्टली यहाँ पर फंडामेंटल से, पहला यहाँ रिफ्रैक्शन 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 डायरेक्टली हो जाता था अपना, एक के नीचे एक लिखो एड करो कैंसिल हो जाता था. चलो ठीक है, ये वाला कॉपी कर लिया. कैन आई रेज? यस सर. ये फॉर्मूला सर आप अभी डिराइव करोगे फॉर्मूला को? नहीं नहीं, मैं लिखवा देता हूँ डिराइव बाद में. ओके सर. आप जो है टू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर टू थिन लेंस separated by a distance, separated by a distance d. Okay. So you have two thin lenses, f1, f2. और उनके बीच में d separation है. ठीक है. तो ठीक है, इसके लिए भी focal length equivalent का formula आता है. f1 by f equivalent is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. तो यूजली ऐसे दो रहते थे तो हम क्या करते थे, एक के बाद एक करके कर लेते थे ना इवेंट, पहले वाले का इमेज, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे वाले का, फिर ऐसे निकाल लेते थे, है ना? और राइट गाइस, ये समझ में आ रहा है? लेकिन सर तो लेकिन वो सर, मैं डाउट पूछ सकता? एक मिनट मुझे बताने दो पहले. तो अब जो है, तो जैसे ई वाले सम्स में है ना, तो मैं क्या करता था, यूजली एक का इमेज निकालो, फिर दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, फिर फाइनल इमेज दूसरे से निकाल लेता था. ठीक है. अब इसमें एचसीयू में एक क्वेश्चन में है, उसमें ये वाला फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया है, तो ठीक है ये वाला जो है हम ये वाला भी लिखेंगे. लेकिन जेई के क्वेश्चंस में यू कैन सी लास्ट 40 इयर्स उसमें तो था ही नहीं कभी ऐसा, तो लेकिन ठीक है दिया है तो हम लिख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला. सर ये फोकल लेंथ किस काम का है, ये इक्विवेलेंट? ये इन दोनों की जगह वन, यू रिप्लेस इट बाय वन सिंगल लेंस ऐसा. अच्छा ओके. दे आस्क समटाइम्स कि भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा,
अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में होगा तो नहीं 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 ऑब्जेक्ट हाँ वो केसेस है ऑब्जेक्ट तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा ना काम यस यस इसलिए इसलिए केसेस पड़ेगा ना वही इसलिए करो भाई अपने आप सर बीच में एयर है ना बीच में एयर है हाँ सर हाँ सर मुझे ये पूछना है अगर सपोज वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद अगर इमेज डिस्टेंस डी से बड़ा हो गया तो उस केस में क्या करते हैं ना नहीं तो याद है हमने वो तो था ठीक है तो उस केस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता था अच्छा तो सर वो फिर वो एफ मिरर जिसका फोकल लेंथ F2 है उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का या सर इमेज का अच्छा ओके सर एक बार आप अच्छा डाउट लेक्चर में पूछ लूंगा मैं आपसे ये सर इन दोनों लेंस के बीच में एयर है अगर कुछ और होता तो फिर फॉर्मूला सेम रहता नहीं उसके लिए और एक है उसमें म्यू का वैल्यू आ जाता है लेकिन अभी उस पे ध्यान नहीं देते हैं अभी सिर्फ ये वाला करते हैं ओके सर वाला पार्ट प्लीज डोंट ड्रॉप नाउ तो वाला पार्ट बाद में करते हैं क्या क्या दोनों कॉन्वेक्स रहेगा नेसेसरी है कि मतलब कोई कॉन्वेक्स कौन के हो सकता कोई सा भी चलेगा कोई सा भी चलेगा सर क्या फॉर्मूला कॉम्बिनेशन हां सर जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो एफ इक्विवेलेंट तब दोनों लेंस एकदम हम लोग चिपक चिपक के रखते क्या जब एक्सपेरिमेंट करते तब यस द हेडिंग वाज टू थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट अच्छा ओके ओके फाइन थैंक यू तो सर आज के लिए हो गया कि कुछ और सिखाने वाले हो ये हां 17 18 तो करो अरे 17 में हम ठीक है पुराने जो किसी के रहेंगे रिपीट वाले वो भी पूछ लेना प्लीज अभी एक्सरसाइज 2 का 11 डिस्कस कर लीजिए ना या एक अर्जेंट है क्या एक साथ ही कर ले फिर डाउट में चलेगा सर बस एक ही मतलब बस थोड़ा सा ही डाउट है उसमें ऐसे ज्यादा नहीं है पूरा क्वेश्चन नहीं ओके तो उसने क्या किया ठीक है उसने इमेज जो है लेंस को हमने डार्क कर लिया उसने सोचा कि कैन आई इरेज दिस वन हां सर यस सर देखो उसने जो है यू सेइंग एक्सरसाइज 2.11 तो जैसे अभी मान लो ये है ऐसा और ना और इसका इस ऑब्जेक्ट का कहीं यहां कहीं इमेज बन रहा है तो इस बंदे ने क्या किया यहां पर जो है उसको ज़ीब्रा लाने के लिए उन्होंने ऐसा ऐसा कर लिया ना राइट कुछ हर कुछ कुछ जगह ब्लैक पेंट कर दिया ना यस सर अब जो है क्या होगा तो इसके साइड व्यू में देखेंगे तो ये तो अगर मान लो फ्रंट व्यू है तो उसके साइड व्यू में सर इससे समझ में आ रहा है बट मतलब ऐसे हां सर उसमें एक चीज पूछनी थी कि कैमरा का लेंस कहां होता है ग्लास में ही होता है फिर उसके पीछे होता है कैमरा का लेंस कहां होता है नहीं कैमरा का जो है मतलब जैसे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये यहाँ कहीं उसका इमेज बना इमेज क्वेश्चन में तो लिखा है कि ग्लास को फिट किया लेंस के ऊपर मुझे लगा मतलब कि अगर किसी कोई ग्लास हम लोग अपने सामने रखेंगे और उसके ऊपर हम लोग काले स्ट्राइप्स मार्क कर देंगे तो हम लोग को ऐसा थोड़े ना होगा कि बाकी की बाहर की चीजें हम उससे तो हमें वो व्हाइट डोंकी दिखेगा ना क्योंकि वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी वही है ना ये आंसर वही है सर एक सेकंड हम लोग किसी ग्लास को अपने सामने रखेंगे और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स से पेंट कर देंगे हम लोग को बाहर के ऑब्जेक्ट कम इंटेंसिटी से थोड़े ना दिखेंगे हम लोग को ब्लैक स्ट्राइप से दिखेंगे ना नहीं U = 0 कहाँ है
ये जो नहीं ग्लास ग्लास मतलब ग्लास लेंस लेंस को हमने पेंट कर दिया ऐसा ब्लैक ऐसा। पहले मुझे लगा कि उसने कैमरा के सामने ऐसे लगा दिया जिससे कि नहीं नहीं ठीक है वो थोड़ा ठीक है सेंटेंस में ये हो गया लेंस ग्लास लेंस को वो किया है सर। इसमें लेंस को हम लोग ब्लैक पेंट करते हैं तो ब्लैक पेंट दिखता नहीं है उसका रीजन आप बता सकते हैं? लेंस को ब्लैक पेंट करेंगे तो ब्लैक पेंट नहीं दिखता नहीं नहीं जैसे हमारा तो वही हुआ ना लेंस का आधा कवर कर दिया वैसे इंटेंसिटी वाला। हाँ वो तो समझ में आया बट वो क्यों नहीं होता मतलब क्यों नहीं दिखता वो समझ पर आई गेस ब्लैक पेंट का इमेज बनता होगा पर वो मतलब वहां पे ही बनता है ना एकदम वो साइड पे वो ब्लैक पेंट ऑब्जेक्ट थोड़ी लेंस पे है ना वो सर वही ना वो आधा लेंस कवर कर दिया वैसा था ना वैसा ही है ये भी आइडियल कंडीशन है ब्लैक पेंट ऑब्जेक्ट नहीं है ब्लैक पेंट सारा कुछ अब्सॉर्ब कर ले रहा है लाइट को। हां वही ब्लैक पेंट से खुद लाइट नहीं निकल रही है ब्लैक पेंट से लाइट नहीं निकल रही है ऐसा। ओके सर वो सब आइडियल कंडीशन और सब लेंस को पेंट करना सब मान के चलना है ना सर। यस 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 सर आंसर क्या है ठीक है यस हां उसका आंसर पूछ रहे हो क्या आंसर ए और डी ए और डी आंसर ओके ओके ठीक है गाइस सर लेक्चर हो गया तो मतलब ब्लैक पेंट अगर नहीं करते कोई और कलर करते तो उसका भी इमेज बनता मतलब ब्लैक ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ब्लैक जो है एक परफेक्ट अब्सॉर्बर की तरह हो गया ना ऐसा। सर दूसरा कलर करते तो उसका इमेज आता क्या नहीं ना क्योंकि मान लो आप वहाँ पे रेड भी करते हो नहीं आता ना क्योंकि वो ओपेक इंटेंसिटी कम हो जाती वही तो हां वही वो इंटेंसिटी कम हो जाती क्योंकि वो ल्यूमिनस नहीं है ना इट इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस it is not self luminous so it is just like a, acting like a obstructor aisa to sirf intensity kam hogi aur kuch to farak nahi padega na okay sir okay guys aap log ha you take your time aram se homework jo bhi agar reh gaye hain fir se I will rediscuss ha don't worry about that doubt classes mein fir ye wednesday ko main fir se wahi kar deta hu so don't worry kisi ka chhut gaya to koi baat problem nahi I will rediscuss again ha ha एक सिली सा डाउट है मतलब ऐसे जो हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज देखते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट से तो रेस निकाल देना तो वो कभी कभी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वो नॉन ल्यूमिनस भी रहता है ना तो वो ऑब्जेक्ट से वो रेस निकलती है मतलब किसी से किसी ने वो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उस पर रेस गिर दिया और फिर वो रिफ्लेक्शन से और रेस उससे निकलती है ना। यस 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 अच्छा ओके सर यही कंफर्म करना था थैंक यू सर। हम HCV में 74 तक सारे सम्स कर सकते हैं ना 74 तक हां क्योंकि उसके आगे आपने बोला कोलिजन से रिलेटेड है ओके 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 हां 74 तक हां उसके पहले वाले सब कर सकते हैं ना। यस यस आपने कहां तक कर रखा है उसमें थोड़े-थोड़े बीच में बच गए तो मैं बस ऐसे पूछ रही थी कितने सम्स आपके रह गए होंगे काउंटिंग है पर बीच में थोड़े थोड़े बचे हैं ज्यादा तो नहीं होगा ना ओके ऑलमोस्ट ओके ओके ठीक है हां प्लीज कंप्लीट सो वी हैव टाइम या ओके गाइस फिर क्लास आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल थैंक यू सर ओके थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर।